10-11 इंच के गमले पर्याप्त हैं अदरक लगाने के लिए। उसमें 2-3 टुकड़ा केवल लगा दीजिए अदरक, वो भी जो घर में यूज करते हैं उसी को। और देखेंगे काफी सारे पौधे इसमें निकल आते हैं, 2 ही मेन पौधे हैं और इसमें देखेंगे कुछ दिन बाद काफी सारे पौधे इसमें निकल आएंगे फ्रेंड्स। और इसी से 1-2 पौधे से ही काफी सारे अदरक निकल आते हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक अदरक। और इस टाइम मूली, सेम, तरोई और ये ग्वारफली वगैरह इस टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि ये पहले से भी लगा हुआ है जिसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, पर वो पौधे सर्दियों तक चलने मुश्किल हैं क्योंकि काफी फ्रूटिंग हो चुकी है उसमें। पर इस टाइम जो पौधे लगाएंगे वो ठंडियों में हार्वेस्टिंग मिलेगी। और देखिए मूली तो अब पूरे साल लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। और देखिए अभी मूलियाँ लगने लगी हैं हमारे में, और मूली के पौधे फिर मैं कहीं ना कहीं लगा दूंगी, गमले खाली हैं। तो उसमें देखिए 10 इंची के गमले में आप 5 से 6 पौधे आराम से लगा सकते हैं और बढ़िया लग जाता है। अदरक के लिए क्या करती हूँ फ्रेंड्स, जो घर में यूज होता है तो देखती हूँ कि जिसमें ये पौधे निकलने वाले दिखते हैं थोड़े, कि हाँ यहाँ से पौधे बनेंगे, तो इस तरीके का तो वही मैं कट कर लेती हूँ छोटे छोटे पीस में, वो देखेंगे ये, और इसी को लगा देती हूँ 2 से 3 10 इंच 11 इंच के गमले में या ग्रो बैग में लगा देती हूँ। और इसी से बढ़िया 2-3 पौधों से ही काफ़ी सारे अदरक बन जाते हैं। अदरक भी इस टाइम लगा सकते हैं। लगाते वक्त इतना ध्यान रखना है कि जो ये अंकुरित भाग है वो उसको ऊपर रखिए, तो पौधा जल्दी और आसानी से निकल जाता है, नहीं तो मिट्टी में जो है जाने लगता है तो पौधा निकलने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से अंकुरित वाला भाग जरूर ऊपर रखिए, और तो बहुत जल्दी पौधा निकल आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसके बाद से बस 10 से 11 इंच के गमले में आप बस 2 से 3 ही टुकड़े लगा देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे 2 ही पौधे में काफ़ी सारे पौधे बन रहे हैं अब, और इसी से काफ़ी सारे पौधे अभी बन जाएंगे। मिट्टी में बालू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और खाद वगैरह दे दीजिए, गोबर का भी, खाली खाद गोबर का भी होगा तो काम चल जाएगा। और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए बस, और कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है।